हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेडिंग लीड और मैं डिस्कस करने वाला हूं अपने स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। डिस्कस करूंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया के सेक्टर्स डिस्कस करूंगा और वर्ल्ड मार्केट भी डिस्कस करूंगा। पूरा वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि हम पहले क्या बात करे गए थे, अभी कहाँ खड़े हैं और आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो लास्ट टाइम मैं डिस्कस करके गया था निफ्टी के चार्ट पे कि हमारी पोजिशनिंग जो है वो ऊपर की साइड है और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर निकलना चालू कर सकते हैं। और हमने देखा कि हम ना तो ऊपर गए ना तो नीचे गए, हम ऑलमोस्ट रेंज बाउंड कर रहे हैं। और अगर हम निफ्टी के चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमको यहाँ पे दो डोजियाँ दिख रही हैं। पूरा मार्केट रेंज बाउंड है, इंडिकेटर में ना ऊपर जाना ना नीचे जाना है, पूरा टाइम पास चल रहा है। मैं 4-5 हफ्ते हो गया है, एकदम ही रेंज बाउंड हो गया मार्केट, ठीक है। और अभी हमारा इवेंट है, इस वीक एक्सपायरी है और अगले वीक इंडिया का बजट है और उस 1 तारीख को फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। तो हमारे लिए 1 तारीख और 2 तारीख दोनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इवेंट वाला टाइम चल रहा है मार्केट, उसके पहले इंडिविजन में मार्केट क्या, अभी मुझे देख के मार्केट में ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज कर रही है लोगों को, ना तो नीचे जा रही ना तो ऊपर जा रही, चाहती मार्केट से लोग बाहर ही बैठे हैं और बाहर बैठे और हो सकता है इवेंट के बाद कुछ होने वाला है और चाहती मार्केट में लोग पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, ठीक है। तो एक बार ही डेली टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि मैं क्या पहले बोल गया था। मैं इस रेड वाली कैंडल पे लास्ट मंडे पे बात कर गया था, तब मेरा व्यू था कि ये रेड वाली कैंडल पे कि हम एक बार ऊपर निकलना चालू करेंगे और एक बार अच्छे से हम जाएंगे 19,000-20,000 के लेवल तक और फिर उसके बाद वापस नीचे घूम के आएंगे। 16,000-15,000 तक भी जा सकते हैं पर उसके बाद घूम के आएंगे, अभी सीधा नीचे नहीं जाएंगे। ये मेरा व्यू था। व्यू इसलिए था क्योंकि जो देख रहे हैं ग्लोबली जो इंडेसेस हैं, यूएस हो गया, डाव जोन्स, यूएस का डाव जोन्स हो गया, डैक्स हो गया जर्मनी का, तो ये सारी की पोजिशनिंग, अभी वर्ल्ड मार्केट डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे, पर ये सारों की पोजिशन ऊपर की साइड है और एक रैली ऊपर की साइड आया है, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी और अभी भी ज्यादा है। मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना नीचे की साइड ना ऊपर की साइड, पर पॉसिबिलिटी अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर की साइड की बहुत ज्यादा है और सारे व्यू डिस्कस करते हैं। तो अभी लास्ट टाइम मैं बोल गया था कि 18,300 यहाँ पे ये लेवल अगर कटता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है सीधे कि ये ऊपर मारेगा, ये वाला लेवल मैं देखे गया था, ठीक है। वो यहाँ के पहले यहाँ से ये रेजिस्टेंस का लेवल था इसका, यहाँ से ही ये वापस घूम गया और फिर नीचे आया। थर्सडे फ्राइडे को ये नीचे काम किया, फिर आज इसने थोड़ा ऊपर खोल के आज भी एक डोजी डोजी कैंडल बना दी है इसने, ठीक है। तो अभी अगर इसको ट्रेड करना है तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है मैंने आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके, तो ये आर्ली टाइम फ्रेम पे खींची हुई है ट्रेंड लाइन, अगर ये ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो सबसे पहला सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा कि ये नीचे जा सकता है, ठीक है। ये नीचे जा सकता है, ये सिग्नल मिलेगा और ऊपर जाने का सिग्नल, अब जो पहले मैंने 18,300 बोला था, ये जो 18,300 के ऊपर बोला था कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी, अब ये 18,200 पे ही आ गया है। अब 200 निकल रहा है तो 18,200 को निकलने दो और 18,100 का स्टॉप लॉस लगा के उसको आसानी से ट्रेड करो, वो नीचे आएगा तो फिर बाद में देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। और अगर नीचे की साइड में देखूं तो 4 आर के टाइम फ्रेम पे इसका कंसोलिडेशन हो रहा है पूरा, ठीक है। 4 आर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, तो ये 4 आर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, यहाँ पे अगर ये फिर से टूटता है, ईएमआई का लेवल फिर से टूटता है 17,900 का लेवल, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये 17,500 एक बार दिखा देगा जो कि 200 ईएमए है डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर 200 ईएमए ये किसी भी तरीके से अगर एक बार नीचे काट देता है तो फिर फिर बाहर बैठो, फिर अभी कोई मतलब ही नहीं है रहने का, फिर ये सीधा नीचे ही जा रहा है, बहुत चांस है कि फिर सीधा नीचे ही जाएगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज है, तीन है वैसे तो, एक है यहाँ से नीचे जाएगा, 17,500 भी तोड़ के नीचे जाएगा, इसकी मैं 5-10% पर रखूंगा, बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से नीचे जाएगा। रीजन चार्ट पे ऐसा कोई रीजन नहीं है, इसका रीजन मेनली है कि बाहर के जो इंडेक्सेस है वो ऑलरेडी नीचे है। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बात करी है इस बारे में, तो अगर बहुत डिटेल में जानना है तो लास्ट मंडे को मैंने वीडियो डाला था, वो देख लेना। तो अगर मार्केट की पोजीशनिंग ग्लोबल मार्केट की ऊपर की साइड है, हर जगह न्यूज जो हम देख रहे हैं वो एकदम खराब है, इंटरेस्ट रेट की कहानी चल रही है, इन्फ्लेशन की कहानी चल रही है, वॉर चल रही है, चाइना का अलग चक्कर चल रहा है, आईटी सेक्टर में देख रहे हैं वर्ल्ड मार्केट के कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, हर जगह मतलब कोई भी अच्छी न्यूज है नहीं कि मार्केट ऊपर जाए। और कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो सोचेगा कि यहाँ से भाई ऊपर जाने का कोई रीजन नहीं, मार्केट नीचे ही जाएगी और मार्केट हमेशा उल्टा करती है। तो अगर
मार्केट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, अलग ही कहानी है जो कि अभी किसी के सामने नहीं आई, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो वो 5-10% में उसकी पॉसिबिलिटीज है और वही है कि नीचे जा सकता है, पर बाकी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख के, वर्ल्ड मार्केट की पोजिशनिंग देख के, अभी सीधी यही कहानी है कि ये इसको एक बार तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और आसपास का साइकोलॉजी देख के मेरा पूरा मानना है कि एक बार इसको यहाँ से ऊपर जाना है, और ये जो हमको दिख रहा है सी पॉइंट मैंने लगाया है 18,000-19,000, ये यहाँ कहीं कहीं भी बन सकता है, ठीक है। अभी एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तो एक बार ऑल टाइम हाई तो जाए, फिर उसके बाद उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे कहाँ तक आएगा, पर अभी व्यू है कि एक बार ऊपर जाना चाहिए। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि ये करेक्शन ही चल रही है, ये 0.1 जहाँ से लगा हुआ है यहाँ से एक बार करेक्शन ही चल रही है, और ये 2 तक चलेगी, खत्म होगी, यहाँ कहीं कहीं भी 2 बनेगा। और अभी इस करेक्शन का एक ऊपर की साइड बाउंस है, इसको इलियट वेव में स्ट्रॉन्ग बी वेव बोलते हैं, उसमें डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, पर अभी एक बार ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ए बना है, ये बी बना है, और अब सी बन रहा है, और सी भी 3 पार्ट में रहता है, ए बी सी, ये 3 सी की बी कंप्लीट हुई है, ए बी, और यहाँ पे एक फाइनल लेग सी लगेगी, ऐसा मेरा व्यू है। और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। थर्सडे और मंडे को वीडियो डालता हूँ, तो अगले थर्सडे को एक नया वीडियो डाल के उसमें आप अपडेट दे दूंगा, पर इस थर्सडे को एक्सपायरी है, इस थर्सडे को एक्सपायरी है, और इवेंट वाला माहौल है। अगर हम देखें कि मार्क अभी पिछले वीकेंड में बहुत सारे रिजल्ट भी आए हैं कंपनी के, तो मोस्टली कंपनियों के खराब रिजल्ट ही हैं, ठीक है। और बैंक्स के कुछ बैंक्स के अच्छे रिजल्ट हैं, बाकी कंपनियों के खराब ही रिजल्ट चल रहा है। तो जब सब खराब है तो भाई और क्यों गिरेगा, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाता है वो सब, ठीक है। अगर नहीं गिर रहा है और आज और प्लस में भी बंद करके गया, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से एक बार ऊपर निकाल सकता है। चार्ट पे ना नीचे की साइड ना ऊपर की साइड कहीं भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो लेवल्स दे दिए। ऊपर की तरफ 18,200 टूट के सस्टेन होता है, तो 18,100 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। नीचे की तरफ 17,900 नहीं टूटना चाहिए, किसी भी गलती से अगर टूट गया तो 17,500 लास्ट लेवल, और वो गलती से भी नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूट गया तो फिर तो बाहर बैठो, फिर ये दूसरी कहानी, नीचे जाने की 5%-10% वाले केस में आ चुका है, फिर इतना मान लेंगे, ठीक है। तो 5-10% की पॉसिबिलिटीज लेके नहीं चला जाता है। और तो मेजर जो सिनेरियो है वो ऊपर का है, तो बहुत सारी बातें कर ली है निफ्टी के चार्ट पे ही, तो आगे कुछ को चार्ट देख लेते हैं। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आज प्लस में बंद करके गया है, और इसने एक अनटच्ड कैंडल बना दी है। तो अब मैंने एक ये इंडिकेटर बनाया, खुद से मैंने कोड किया है इसका, मैंने इंस्टाग्राम पे रील पे भी डाला हूँ कैसे यूज करना है, यूट्यूब वीडियो भी डाल दूंगा, पर ये रिवर्सल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके दे रहा है, और इसके हिसाब से ये आज जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, ये एक पोटेंशियल रिवर्सल कैंडल, और यहाँ से नीचे जा सकता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो देखना पड़ेगा, मतलब अभी कोई भी किसी भी साइड कोई ट्रेड नहीं लेना, हम तो वैसे ही बैठे हुए हैं साइड में ओके इतने टाइम से, और वेट कर रहे हैं ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो अभी तो साइड में ही रहना है। और बाकी अगर मैं इंडेक्स देखूँ, ये आईटी है, आईटी में अच्छी कैंडल बना के गया लॉन्ग टर्म में, मैं बोल के गया हूँ कि आईटी आउट परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में, और बहुत ही अच्छा सेक्टर है ये, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट्स पे करेक्शन के साथ मिल रहा है, तो आईटी का एक अच्छा सेक्टर है, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। ट्रेडिंग अभी इस पर नहीं करनी चाहिए, अगर रेंज बाउंड ट्रेडिंग करनी है तो उसमें कर सकते हो, बाकी ऐसे नहीं करना है। और बाकी देखें तो मेटल में रिजल्ट बहुत ख़राब आए थे कुछ कुछ कंपनियों के, उसके बाद भी ये ऊपर टिका के रखा हुआ है। रीज़न यही है कि सब ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में, ठीक है। मार्केट रिजल्ट आने के पहले चलती है, न्यूज़ आने के पहले चलती है, और न्यूज़ आने के बाद लोग वेट करते हैं कि कुछ होगा, पर कुछ नहीं होता है, हमने देखा कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं कि मिड कैप में क्या हुआ, मिड कैप भी एकदम साइडवेज है, ट्रेंड लाइन के अभी ऊपर काम कर रहा है, पर अभी कुछ कोई भी किसी भी साइड पर कंफर्मेशन नहीं है। निफ्टी जूनियर देख लेते हैं, ये भी एकदम साइडवेज है, डेली की 200 EMA के ऊपर टिका के रखा हुआ है, तो सही सही जगह पे है, अभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम देखें स्मॉल कैप इंडेक्स, तो स्मॉल कैप एक बार खोल लेते हैं, स्मॉल कैप ने 200 का तोड़ दिया है, EMA व्हाइट व्हाइट वाली लाइन 200 EMA वो तोड़ दिया इसने, और नीचे की तरफ काट रहा है, तो ये देखना है। तो मार्केट में ना एकदम डाइसी सिचुएशन है, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी चल रहा है, और किसी भी साइड कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है ना। तो नीचे की भी पॉसिबिलिटीज बन रही है, पर वो क्या नीचे चला जाए जाता ही जाएगा, वो वेरी अभी 5-10% है, 17,500 के नीचे नहीं जाएगा, एक बार 17,900 चला जाए उसके आसपास चला जाए, पर अभी पॉसिबिलिटीज में फिर भी बोल रहा हूँ कि ऊपर की साइड ज्यादा है। वर्ल्ड मार्केट एक बार देख लेते हैं, ये निकेई है, निकेई जापान का इंडेक्स है,
ये नीचे ही है, यहाँ से सपोर्ट से वापस घूम रहा है, तो इसकी पोजीशनिंग अच्छी है। ऊपर की साइड डाव जोन्स है, डाव जोन्स की भी पोजीशनिंग अच्छी है। यहाँ पे इतने ट्रेंड के बाद यहाँ रेजिस्टेंस से नीचे आया, पूरा नीचे नहीं गया, यहाँ पे रुक गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार ऊपर निकालने की कोशिश कर सकता है, निकाल सकता है। ये रशिया का इंडेक्स है, ये भी टिका के रखा हुआ है नीचे, ठीक है, सपोर्ट में है। ये बोविस्पा है, ब्राज़ील का इंडेक्स, ये भी ऑलमोस्ट सही जगह पे है। डबल बॉटम टाइप का ये बनाया है और ऊपर निकाल सकता है। और मैं देखूँ S&P 500, इसकी भी पोजिशनिंग ऊपर की साइड है, ऐसा कोई ब्रेकडाउन किसी में नहीं है और लग नहीं रहा कि यहाँ से नीचे जा सकते हैं ज़्यादा। ये नेस्डेक इंडेक्स है, इसकी पोजिशनिंग भी ऊपर की साइड है, ले ऑफ वगैरह हुआ है जो सब इसी में आते हैं, ये सपोर्ट से ऊपर घुमाया है, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। अभी रिसेंट में शॉर्ट टर्म में देखे तो सबकी पोजिशनिंग मुझे ऊपर की साइड लग रही है। एक रसल है, US की 2000 कंपनी का इंडेक्स है, तो ये भी इसकी पोजिशनिंग ऊपर की साइड है। ये हमारा कॉपर का इंडेक्स है, कॉपर का हमको दिख रहा है कि अलग ही ये ऊपर चल रहा है, और इसी कारण हमको दिख रहा है कि जो हमारे मेटल सेक्टर है, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह, ये सब इससे डिपेंडिंग रहते हैं इस पे, और वो भी ऊपर निकल रहा है, ये भी ऊपर निकल रहा है। कॉपर पे मैं लंबे टाइम के लिए बुलिश हूँ, तो और मेटल में भी मैं लंबे टाइम के लिए बुलिश हूँ, तो ये सब एक साथ ही चल रहा है। गोल्ड में देखें तो गोल्ड भी ऊपर की साइड जा रहा है, पर गोल्ड रेंज बाउंड है तो वापस घूम सकता है यहाँ से, ठीक है, रेंज बाउंड ही। ऐसा कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये अभी कह नहीं सकते, कोई कंफर्मेशन नहीं है। US ऑयल देख लें, अगर हम क्रूड ऑयल, तो ये नीचे गिर रहा है और ये करेक्शन कर रहा है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम भी करेक्शन पे आ गया अपनी, और ये वीकली टाइम फ्रेम पे टिकाया ही हुआ है, तो यहाँ पे अब ये ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, पर ये रेंज बाउंड करने वाला है अभी आधा एक साल तो अच्छे से, ठीक है। तो एक बार DXY देख लें, डॉलर इंडेक्स टूट रहा है, अच्छा खासा टूट गया है, डेली के नीचे आ गया, अभी जाएगा वीकली पे, और ये टूट रहा है, और ये अच्छे से अब इसका जो था एक नॉर्मल ऊपर वाली रैली वो खत्म हो चुकी है, अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे आएगा, यहाँ तक अच्छे से टूटेगा ये, और ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हमको फायदा मिलेगा स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। और अगर हम देखें USD INR, USD INR भी अब डेली में आ रहा है, डेली की 200 EMA है, व्हाइट कलर की जो लाइन है ये 200 EMA है डेली की, तो यहाँ तक तो ये आएगा और फिर आगे भी ये और ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो ये था वो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट का व्यू, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है डैक्स, जिसकी बात मेरे को ज़रूरी करनी है। डैक्स जर्मनी का इंडेक्स है, ठीक है, ये वो कंट्री है जहाँ पे वो लोगों ने बोल दिया है कि रिसेशन आ चुका है, ये रिसेशन वाली कंट्री है। इनका इंडेक्स देखो ऊपर से कितना नीचे आई है, ऊपर से 8% के अप्रोक्स नीचे है बस। और ये वो कंट्री है जहाँ ऑफिशियली रिसेशन आ चुका है, यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं कि रिसेशन आएगा तो नीचे जाएंगे, बहुत गिर जाएंगे, मार्केट बहुत खराब हो जाएगी, पैसा मत लगाओ, और ये वो कंट्री है जहाँ पे रिसेशन आ चुका है, तो मतलब आप खुद ही देखो फिर मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ये स्टॉक मार्केट का इसलिए आता है कि ये पहले काम करती है, ये फ्यूचर को बताती है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट हो रहा है उसने ऑलरेडी बहुत 6 महीने पहले देख लिया था, 6 महीने, 2-3 महीने पहले देख लिया था, ये भी फ्यूचर बता रही है, तो ये फ्यूचर ही है। तो अभी तो व्यू ऊपर का है, निफ्टी में एक बार लास्ट में बात कर लेते हैं चल के, अभी व्यू ऊपर का है, यहाँ से ऊपर निकलना चालू कर सकते हैं, मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू है। तो ये था अभी का एनालिसिस सारा स्टॉक मार्केट का, और कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट पे फीडबैक्स दो, सजेशन दो क्या चाहिए, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस चाहते हो तो वो बताओ, और अपना ट्रेडिंग ढंग से करना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थर्सडे को, जय हिंद।